नमस्कार गाइस, आप सबको आज की न्यू वीडियो में, आज की इस वीडियो में HDFC बैंक का शेयर प्राइस के बारे में बात करने वाला हूँ। कौन कौन सी लेवल टारगेट को, कौन कौन सी सपोर्ट रेजिस्टेंस को अगला 14 जुलाई के दिन फॉलो करना चाहिए, तो वीडियो को एंड तक देखना। मैं जो इसका एनालाइज कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ वीकली चार्ट पे स्टॉक को व्यू करें। यहाँ से आप गया, फिर डाउन, फिर ऊपर, फिर डाउन, फिर ऊपर, फिर अभी और भी डाउन जा रहा है। इस पर अभी और भी गिरावट हो सकता है, क्योंकि इसका अगर नज़र सपोर्ट लेवल को देखें जो कि है इस पॉइंट पे, तो इस लेवल से सपोर्ट लेके उसके बाद जाके स्टॉक पे गाइस तेज़ी आ सकता है। तो ये है इसका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, जो रेजिस्टेंस आप लोग इसका फॉलो कर सकते हो वो है 1663.90। इसका पहला रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, अगला है 1710.45। इसका अगला रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, तो ज़्यादा चांसेस से सपोर्ट लेगा फिर रिवर्सल आने का, जिसमें काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि ये वीकली चार्ट है। MACD नहीं 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को देखा जाए तो, जो कि है इस ट्रेड लाइन को फॉलो करता हुआ चल रहा है। MACD भी अभी एक डाउन ट्रेंड की इंडिकेट ही दे रहे हैं, तो लेवल्स पर फॉलो करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग मुझसे कांटेक्ट करके कुछ भी जानना चाहते हो, कुछ भी पूछना है, तो गाइस चैनल का अबाउट पे कांटेक्ट मिल जाएगा।